ਵੀਰਵਾਰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1920 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਨਾਲ 1920 ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ अगर कोई होर पार्टी तो ऑफर करे नाल शमूलियत करने की साथ देने की फ्रंट पर आने प्लेटफार्म पर आने जिहड़ा मुख्यमंत्री का सरकारी घर है वह चंडीगढ़ प्रशासन के अंडर आता है तो चंडीगढ़ का प्रशासन अमित शाह के अंडर आता है इस करके वह कैप्टन साहब पंजाब वाले पासे रह रहे हैं क्योंकि रात को हिसाब किताब भी तो करना होंगे कट्ठे तो रेंगे ने दोनों तो नाल ही तो सुख विलास है तो नाल ही तो सुखबीर है रात को कट्ठे टैची भी बिटाने होंगे एक दूजे ना थोड़े कहने का भाव कैप्टन अमरिंदर सुखबीर बादल अंदरों एक दूजे के नेड़े ने अजे भी नहीं पता पंजाब दे विच करोना वायरस का कहर लगातार फैलता जा रहा है ते मुख्यमंत्री पंजाब ने ज्यादा बंदे इकट्ठे करने पर सख्त रोक लाई हुई है इसके बावजूद भी सियासी लोगों के धरने लगातार जारी ने उधर भगवंत मान ने श्रोमणी अकाली दल से निशाना साधते हुए कहा है कि श्रोमणी अकाली दल पार्टी जल्द ही खत्म होने वाली है इसके अलावा मान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उपर भी निशाने साधे ने दावा करते अकाली दल की दरबारा सरकार आनी है आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं अकाली दल मैं पहला भी कहा मैं 1 साल पहला 1920 शुरू 1920 इलेक्शन कराने माहौल है एक पासे तो कैप्टन साहब कहते हैं 5 बंदे तो बाद कट्ठे नहीं होना कोई कोई मंग पत्र भी नहीं देना रात का करफ्यू लाई जाने दूजे पास रात का करफ्यू कितने जिथे शहर में बड़े दूजे पास इलेक्शन कराने बारे किमें सोच रहे हैं मैं नहीं कहता कि ना कराओ पर फिर बूथा से किमें मां साहब 2022 दे विच आम आदमी पार्टी किसी पार्टी नाल समझौता करेगी सत्ता प्राप्ति बारे ना साडी पार्टी तीजी बार दिल्ली च है मतलब अब दे कल्ले बलबूते ते तीजी बार सरकार बनाई है जी और इंडिया की पहली पार्टी जिहड़ी सैकेंड टाइम लगातार 2 बारी 90% तो वध सीटां जीती है मतलब सत्ता च आई है अगर कोई होर पार्टी ऑफर करे नाल शमूलियत करने की साथ देने की फ्रंट पे आने की प्लेटफार्म पे आने वेलकम एक मान साहब एक ना खन्ने हलके दे विच कई मर्डर हो चुके ने हुण तक एक महीने दे विच लॉ एंड ऑर्डर तो ना सारे पंजाब च जिलों के बच्चों मोबाइल फोन चल रहे हैं कितने किस्सा फड़े जा रहा है कितने शराब पी जा रही है या फैक्ट्रियाँ चल रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर तक सब सिस्टम बैठने की ना कैप्टन साहब पंजाब पुलिस की जूरीडिक्शन के अंदर जिहड़ा मुख्यमंत्री का सरकारी घर है वह चंडीगढ़ प्रशासन के अंडर आता है तो चंडीगढ़ का प्रशासन अमित शाह के अंडर आता है इस करके वह कैप्टन साहब पंजाब वाले पासे रह रहे हैं क्योंकि रात को हिसाब किताब भी तो करना होंगे कट्ठे तो रेंगे ने दोनों तो नाल ही तो सुख विलास है तो नाल ही तो सुखबीर है रात को कट्ठे टैची भी बिटाने होंगे एक दूजे ना थोड़े कहने का भाव कैप्टन अमरिंदर सुखबीर बादल अंदरों एक दूजे के नेड़े ने चलो ठीक है जी ओके थैंक यू इस नाल ही विरोधी धिर दे आगू हरपाल सिंह चीमा ने भी कैप्टन सरकार ते कई सवाल चुके ने देखो अज साडे जिहड़े शहीद ने गए सरदार करनैल सिंह जी सरदार भुपिंदर सिंह जी उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट करने लई साडी समुची टीम सरदार भगवंत सिंह मान जी सरजीत परमाणू के जी साडे एमएलए साहिबान
समुची साड़ी हलका पायल दी हलका खन्ना दी सारियां टीमां जिथे पहुंचियां ने सारे नतमस्क होने लई आयांगे शहीदां नूं क्योंकि इन्हां शहीदां दे कारण असीं अज खुली हवा दे विच सांह लै रहे हां अज इन्हां शहीदां दे कारण असीं जिहड़ी आ आजादी दा निक मान रहे हां पर लेकिन जिहड़ी आजादी दा सुपना इन्हां शहीदां दा सीगा उह अज सुपना जिहड़ा पूरा नहीं होया उहनूं पूरा करन दे लई जिहड़ी आ साडी समुची टीम लगी हुई आ सुपना पूरा करके सुखबीर बादल ने कल ऐलान किया है कि कांग्रेस के राज विच ऐसी कैटेगरी के भविख सुरक्षित नहीं अकाली दल ही उन्होंने भविख सुरक्षित वास्ते वचनबद्ध है। देखो जो पंजाब अकाली दल बीजेपी की सरकार थी उदो ये 1,250 करोड़ रुपये का इन्होंने एससी एसटी स्कॉलरशिप घपला किया 1,250 करोड़ रुपया जो है दलतों के स्टूडेंटों का खाधा जिन्नियां स्कीमां सी पंजाब एससी सारिया स्कीम जगह अकाली दल के राज बंद सगिया पर कैप्टन साहब ने पंजाब के दलता का वादा किया मैं जदों आऊँगा सत्ता चाहना गा आ वजीफा जिन्होंने खाधा कि जिन्हें स्कॉलरशिप घपला किया गा उन्होंने फड़ के नंगे करूँगा पर लेकिन जदों के 3 साल जदों के सत्ता च आए हैं 4 साल हो गए पूरे ना किसी कोई कार्रवाई हुई है ना कोई चोर फड़िया गया हूँ इतों पता लगता कि पहला वो इन्हों बचाते हूँ ये उन्होंने बचा रहे लगातार एक दूजे बचा रहे हैं और दलतों पांच मरले प्लाट की गल की सीएम साहब ने मुख्यमंत्री साहब ने पंजाब के लोगों ने कहा कि 5 मरले प्लाट दलतों को देगा 2,500 रुपया पेंशन देगा नौकरियों पे बैकलॉग पूरा करूँगा एक भी मंग अज पंजाब के जिन्ने दलित ने अपने आप को ठगिया महसूस करते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जी है तो बिल्कुल दलतों के खिलाफ आ कैप्टन साहब की रजवाड़ा शाही मानसिकता दिखती है कि पंजाब की जी 34% पापूलेशन आने बिल्कुल इग्नोर करके रखा है एक भी जिन्ने वादे 2017 के चोन मैनीफेस्टो किए थे एक भी वादा लागू नहीं है किसी भी वादा कोई काम नहीं कर रहा जाली शराब डिस्टिलरिया के मामले के जोड़ा ये चल रहा रैकेट किन्ने को मालिए का नुकसान होया पंजाब दे देखो जेकर पंजाब च शराब कारपोरेशन बन जाए तो पंजाब लगभग 30,000 करोड़ रुपया सालाना कमाई हो सकती जी कि हूँ 3,000 होंगी है जी हूँ 3,000 या 4,000 करोड़ रुपया होंगी है लगातार और यह चोन मैनीफेस्टो कांग्रेस पार्टी के चोन मैनीफेस्टो भी असं आवेंगे कारपोरेशन बनावे पंजाब का मालिया बधावे पर लेकिन हो की रहा उल्ट हो रहा हूँ कैप्टन साहब के आपके जिले जितों ने धर्मपत्नी मैंबर पार्लीमेंट है जितों आप जित के आए हैं उत्थे शराब दैक्ट्रियां फड़िया जाए शराब दाली फर्जी शराब आ वह शराब पंजाब बेची जा रही है पंजाब के जोड़े है इन्ने नौजवान मर गए पर कैप्टन साहब ने आप ऐलान किया गया कि 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्यों नहीं होंगे है क्यों नहीं किया गया इतों पता लगता कि कैप्टन साहब सिर्फ अखबारी बयान देंगे ने ग्राउंड से कोई कार्रवाई नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।